हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस बीडी एंट्रेंस जनरल नॉलेज क्वेश्चन विथ आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी स्केड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस? हाउ मेनी स्केड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस? आंसर इज 12। ऑप्शन डी आंसर इज 12। 12 स्केड्यूल्स, 5 अपेंडिक्स। 12 स्केड्यूल्स एंड 5 अपेंडिक्स। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन 26th November 1949 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूएल? इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूएल? इन न्यूक्लियर रिएक्टर यूरानियम इज यूज। नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज? द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज? सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल, अलाउद्दीन खिलिज। अलाउद्दीन खिलिज। नेक्स्ट, तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन वाज द पोर्ट ऑफ अकबर? आंसर इज अकबर। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? हु एमंग द फॉलोइंग अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीम राव अम्बेडकर अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, हेयर इज नेशनल सुगर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड? हेयर इज नेशनल सुगर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड? कानपुर, राइट आंसर इज कानपुर। नेक्स्ट, ए नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज? ए नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल एजुकेशन डे ऑन नवंबर 11th इज? हु बॉर्न इन नवंबर 11th? नवंबर 11th, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन बी कृष्णा। ऑन व्हिच स्टेट नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश श्री सालेम डैम, श्री सालेम डैम इज ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट, द बरमुंडा ट्रायंगल लाइज इन? द बरमुंडा ट्रायंगल लाइज इन? आंसर इज वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन। आंसर इज वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ भारत रत्न फॉर द ईयर ऑफ 2008? हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ भारत रत्न फॉर द ईयर ऑफ 2008? आंसर इज ऑप्शन सी, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी इन 2018, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी अवार्डेड आज भारत रत्न इन 2018। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च ऑन 26 जुलाई 2009? ऑन 26 जुलाई 2009 सबमरीन न्यूक्लियर पावर? आंसर इज INS Arihant। INS Arihant इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू? द स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू
ए ग्लास. आंसर इज ग्लास, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, गाल्वनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग ऑफ. गाल्वनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग ऑफ. आंसर इज जिंक, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जिंक, जिंक कोटिंग इन गाल्वनाइज्ड आयरन शीट. IBRD is also known as World Bank. Right answer is World Bank. Next, the Gupta king who assumed the title of Vikramaditya was. The Gupta king who assumed the title of Vikramaditya was. Answer is Chandragupta II. Answer is Chandragupta II. Next, Part 4 of the Constitution of India deals with. Part 4 of the Constitution of India deals with Directive Principle of State Policy. Directive Principle of State Policy. Next, which amidst the following countries of European Union has adopted the single currency of Euro. Euro currency is UK. Right answer is UK, United Kingdom. Next, permanent members of UN Security Council are. Permanent members of UN Security Council are America, UK, France, Russia, China. USA, option D. Option D, USA, UK, France, Russia, China. Next, The author of the book My Country, My Life is. The author of the book My Country, My Life is Lal Krishna Advani. Right answer is Lal Krishna Advani. Next, the partition of Bengal was revoked. The partition of Bengal was revoked by the British government in the year. Partition of West Bengal. Bengal. Option C, 1911. 1911 is the right answer. Next, the first talkie film in India was. The first talkie film in India was. Option B, Alam Ara. Talkies. First talkies film in India, Alam Ara. Next, Blue Revolution is related to option C, fisheries. Fisheries is the right answer, Blue Revolution. Next, India has the maximum foreign trade with America, USA is the right answer. Next, the most urban country in the world is. The most urbanized country in the world is. Next, answer is B, Singapore. Singapore is the most urbanized country. Next, which is the largest finance body for the small scale industries? For the small scale industries, SIDBI. SIDBI is the right answer. Small scale industries. Next, what is the new name of old region SAM? What is the new name of old region SAM? New name Thailand. Answer is Thailand. Next, the great poet Amir Khusru birthplace was. Amir Khusru birthplace was Patiali. Option A, Patiali is the right answer. Next, bauxite is an ore of one of the following metals. Bauxite is the ore of aluminium. Right answer is aluminium. Next, who organized the Fourth Buddhist Council, Kaniska,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कनिष्का। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबर आइलैंड इज? द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबर आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबर आइलैंड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड इफ पर्टिकुलर बिल इज मनी और नॉट? हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड इफ ए पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नॉट? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा मनी बिल। नेक्स्ट, बार इज द यूनिट ऑफ, बार इज द यूनिट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर? बार इज द यूनिट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, राइट टू वोट इज ए, राइट टू वोट इज ए पॉलिटिकल राइट? राइट टू वोट इज ए पॉलिटिकल राइट। नेक्स्ट, कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विथ? कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विथ चेस। ऑप्शन सी राइट आंसर इज चेस, कोनेरू हम्पी इज ए चेस प्लेयर। नेक्स्ट, हुई ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स कनेक्ट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट, हुईज कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप? कॉकपिट ऑफ यूरोप आंसर इज बेल्जियम, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। नेक्स्ट, इन उत्तर प्रदेश चारकुला फोल्क डांस इज रिलेटेड विथ? इन उत्तर प्रदेश चारकुला फोल्क डांस इज रिलेटेड विथ? ऑप्शन बी ब्रिज रीजियन, ब्रिज रीजियन चारकुला फोल्क डांस। हुई एमंग द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश? सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय? लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 वाज प्रिसाइडेड बाय अंबिकाचरण मजुमदार, अंबिकाचरण मजुमदार ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 42 रिहांत प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट? रिहांत प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। हायर वाज तांचोई बारकोड डेवलप्ड? हायर वाज तांचोई बारकोड डेवलप्ड ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बनारस वाराणसी। नेक्स्ट, हु रोट सरफरसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? हु रोट सरफरसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? आंसर इज रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल। द केमिकल दैट यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज? द केमिकल दैट यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड इज यूज टू मेक आर्टिफिशियल रेन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी? हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी एनामेल, एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, लार्जेस्ट माइका डिपोजिटेड इन इंडिया? आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी इज नोन फॉर? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर आंसर इज यूरेनियम
deposits, uranium deposits is the right answer. Next, the last one, which of the following ocean has the shape of English alphabet S? Which of the ocean has the shape of English alphabet S? Atlantic Ocean. Answer is Atlantic Ocean. Thank you. Please do subscribe.